भारतवर्ष में इंग्रेज शासन ने भारत का द्विजाति तत्व अर्थात एक धर्म भित्तिक और एक वर्ण भित्तिक सबको अलग अलग वर्णों और अलग अलग धर्मों के लिए विभेद तैयार करने का कोशिश किया। गांधी जी इसके बारे में चिंतन करने के बाद 1932 साल में 20 सितंबर को आमरण अनशन शुरू किया। समाज में सबसे नीचे सबसे पीछे जो आदमी है उसको समाज के जो सो कॉल्ड अपर कास्ट और एलीट सोसाइटी दे विल सर्व देम फॉर देयर ग्रेटर इंटरेस्ट। वो अनशन जब आमरण अनशन फास्टिंग शुरू किया सारे देश और इंग्लिश चाहता रहा अनशन प्रत्याहार करने के लिए, लेकिन गांधी जी अनशन प्रत्याहार में राजी नहीं हुआ। फिर सारा भारतवर्ष का जितना तत्कालीन नेता सब पूना में यारवादा जेल में गया और 24 सितंबर अंबेडकर के साथ उनका एक समझौता हुआ जिसमें पूना पैक्ट बोल रहा है मदन मोहन मालवीय जी और अंबेडकर जी, ये दोनों वो पूना पैक्ट में सिग्नेचर किया है और उसमें समाज के कोई अछूत नहीं रहे और उसका समान अधिकार होना चाहिए। इसके लिए सारा देश भर महात्मा गांधी का यह आंदोलन बिछा दिया। इसमें जो काम शुरू हुआ गांधी जी अनशन प्रत्याहार फाइनली तभी किया जब देखा जे सब अपर कास्ट पीपल आर रेडी टू सर्व द कॉज ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उस टाइम में गांधी जी बोला एक संस्था होना चाहिए, उसका नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। लेकिन गांधी जी का इनाम पसंद नहीं हुआ, गांधी जी चाहता है इसका नाम हरिजन सेवक संघ हो जिसका मतलब सन ऑफ गॉड। इसी नाम में वो ऑर्गेनाइजेशन का बनाने का तय किया है और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन वो अपने हाथ से लिखा, उसका करेक्शन भी अपने हाथ से किया है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द हरिजन सेवक संघ फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द सो कॉल्ड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड लोअर कास्ट ऑफ पीपल। तो इसके बाद सारा देश में इस संस्था का मंदिर प्रवेश, अस्पृश्यता निवारण और बहुत सारे सामाजिक कर्मकांड में लगा, स्कूल आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत सा काम कर रहा है। आज भी इस हरिजन सेवक संघ इतना सालों में सारा देश भर दिस इज द लाइवली गांधीयन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग थ्रू आउट द कंट्री इवन इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। इन एवरी स्टेट वी हैव ब्रांचेस, वी हैव यूनिट्स एंड दे आर वर्किंग फॉर द कॉजेस ऑफ दिस पीपल। दिल्ली में हरिजन सेवक संघ ए आश्रम जो गांधी आश्रम बोल रहा है, यहाँ गांधी जी 1930 से 1940 साल में जितना बार दिल्ली आया कस्तूरबा को लेकर और एकला भी यहाँ ही रुकते, यहाँ वो कस्तूरबा कुटीर बोल के हम उसको एक म्यूजियम बनाया। सारा देश में पहले दफे कस्तूरबा का नाम में
कोई एग्जीबिशन हॉल एग्जीबिशन आपका म्यूज़ियम फर्स्ट टाइम यहाँ हुआ है और इसमें गांधी जी का एक सर्वधर्म प्रार्थना स्थल था जहाँ सब धर्मों का नेता सब धर्मों का ये सबको लेकर सबका कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रार्थना मंदिर एक मोनूमेंट जिसको बोलता है धर्म स्तंभ जिसमें सब धर्मों का वाणी लिखा है ये है। इसके साथ अभी जो हमारा काम चलता है गरीब बच्चा को यहाँ स्कूल में रहना खाना पढ़ाना और शिक्षा देना इसका साथ साथ नेचुरोपैथी योगा सेंटर फैमिली वेलफेयर सेंटर लाइब्रेरी और बाकी बहुत सा काम दिल्ली ऑफिस से यहाँ से हो रहा है। इसमें सारा देश से हर प्रांतों से एक एक एलिट और स्टॉलवर्ट्स को इसका कमिटी का मेंबर होता है और ये सारे देश का एक प्रतिनिधिमंडल है और ये एपेक्स बॉडी है। इस बॉडी सारा देश का एक काम देखभाल करता है। इस काम में समाज का लाखों लोग जुड़ा है और सबका कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा काम चल रहा है।